नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। थोला थाना पुलिस ने एक साथ दो मामलों का खुलासा किया है। पहला मामला अवैध शराब की तस्करी का है, जहां पुलिस ने छोला इलाके में चल रहे एक स्नूकर क्लब पर छापा मार कर स्नूकर संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यहां से 8 पेटी अंग्रेजी शराब भी बरामद की है। क्लब संचालक रितेश पांडे लंबे वक्त से स्नूकर की आड़ में अवैध शराब बेचने का काम कर रहा था। वहीं छोला इलाके में ही पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो शातिर वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी बरामद की है। यह गैंग शहरों से बाइक चुरा कर गाँव में सस्ते दाम में बेच देता था। दोनों ही मामलों में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना छोला में मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ था और थाना प्रभारी छोला CSP निषादपुरा इनकी टीम को पता चला कि एक स्नूकर की आड़ में जो पूल चलाते हैं और अवैध रूप से वो शराब का विक्रय कर रहा था, जिसमें उसका नाम रितेश पांडे और फुलल्ला है। उसके कब्जे से 76,640 रुपये की 8 पेटी दारू जब्त हुई है और उस पर कार्रवाई अभी आगे जारी है और जो मार्का वगैरह है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई पता करेंगे। CSP निषादपुरा लोकेश सिन्हा और TI चंद्रकांत छोला प्रभारी और इनकी टीम के द्वारा वाहन चेकिंग चल रही थी, तभी एक व्यक्ति आया, दो लड़के एक मोटरसाइकिल में आए, उसकी चेकिंग की गई तो वाहन चोरी का होना पाया गया। फिर और पूछताछ हुई तो 6 वाहन कुल मिले हैं, जिसमें 5 मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा गाड़ी थी। इसी तारतम्य में आगे भी बातचीत उससे जारी है, पूछताछ कर रहे हैं कहाँ से ली है, कहाँ बेची और क्या क्या कार्रवाई की है। और जो आरोपी पकड़ा गया साहिल खान और दानिश खान, दो आरोपी हैं, इसमें दानिश खान के खिलाफ और रिकॉर्ड भी है और बाकी कुछ और आरोपी हैं, वो हमारी अभी कार्रवाई आगे भी जारी है, कुछ वाहनों के बारे में और पता चल रहा है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।